गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ डॉक्टर वेजभान. आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूपीएचएससी द्वारा ऑर्गेनाइज असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का पीवाईक्यू. अगर आप देखें आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे कि यूपीएचएससी द्वारा ऑर्गेनाइज उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन द्वारा ऑर्गेनाइज होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका डिस्कशन आपके सामने लेके आया हूं और देखेंगे इससे आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगा और आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम आने वाला होने वाला है बॉटनी का उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिवाइज करने में मदद मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31. आपको पता है कि 30 क्वेश्चन जीएस का है, इसको मैं एक बात भी लेके आऊंगा. पहले हम लोगों ने बॉटनी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसमें 31 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में 2018 के असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था वह क्वेश्चन पहला कौन था. मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉलिक्यूलर टूल फॉर द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस इन्वॉल्व द सीक्वेंसिंग ऑफ. आपको बताना इसका आंसर क्या होगा. आपको पता है कि फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर टूल्स के रूप में यूज करते हैं न्यूक्लियर डीएनए माइटोकांड्रियल डीएनए क्लोरोप्लास्ट डीएनए का. जैसा कि आपको पता है कि जब फाइलोजेनेटिक स्टडी की जाती है यानी किसी भी प्लांट्स की लाइफ साइकिल को पिछले हिस्ट्री से जब जोड़ा जाता है उसका एंसेस्ट्रल हिस्ट्री चेक किया जाता है तो किस डीएनए का ज्यादातर यूज किया जाता है. तो आप देखोगे यहां पर क्वेश्चन आया हुआ है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका न्यूक्लियर डीएनए माइटोकांड्रियल डीएनए क्लोरोप्लास्ट डीएनए. कारण क्या है आपके ऊपर दिया हुआ है देखो राइबोसोमल आरएनए. तो आरएनए कहीं नहीं होता है. कंजर्व की मैं बात करूं तो न्यूक्लियर डीएनए माइटोकांड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या है इनके पास सेमी ऑटोनॉमस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है. साथ साथ ये मैटरनल इनहेरिटेंस शो करते रहते हैं इसलिए भी फाइलेटिक एनालिसिस में मॉलिक्यूलर टूल्स के रूप में ज्यादातर यूज होते रहते हैं. बाकी ऑप्शन ए बी और डी इसका गलत है क्योंकि वहां पे राइबोसोमल आरएनए को भी यूज किया है जो कि बहुत कंजर्व जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम द पायरुविक एसिड रिक्वायर. तो आपके सामने ऑप्शन है रिडक्शन ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलेशन और हाइड्रेशन. तो आपको पता होना चाहिए पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते रहते हैं फर्मेंटेशन. और फर्मेंटेशन में क्या होता है रिडक्शन डिवीजन होता रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच फैमिली इज नोन एज द मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली. तो आप देखोगे ऑप्शन आपके सामने था आर्किडेसी लिलिएसी एस्ट्रेसी और कनबाल्बुलेसी. तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका कनबाल्बुलेसी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था टीम एंड टॉम कॉम्प्लेक्स आर फाउंड इन. तो टीम एंड टॉम कॉम्प्लेक्स किस में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस माइटोकांड्रिया पराक्सिसोम. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा माइटोकांड्रिया. अगर आप देखोगे प्रोटीन टारगेटिंग जब होती है जो प्रोटीन टारगेटिंग तो अगर आप देखेंगे प्रोटीन टारगेटिंग में जो माइटोकांड्रिया क्या होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है. तो इसके पास में क्या होता है दो ट्रांसलोकांस पाए जाते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन टारगेटिंग. जब प्रोटीन को टारगेट किया जाता है माइटोकांड्रिया के अंदर तो इसके पास दो ट्रांसलोकान पाए जाते हैं. अगर मैं देखूं ये आउटर मेम्ब्रेन ये इनर मेम्ब्रेन तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन में ट्रांसलोकान पाया जाता है प्रोटीन के टारगेटिंग के लिए उसको हम बोलते हैं टॉम और जो इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं टीम. तो टॉम और टीम क्या होते हैं दो ट्रांसलोकान है ट्रांसलोकान आउटर मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं ट्रांसलोकान आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं टॉम. अगर आप देखो ट्रांसलोकान आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकान आउटर मेम्ब्रेन टॉम बोलते हैं. और जो इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है ट्रांसलोकान इनर मेम्ब्रेन तो ये क्या है ट्रांसलोकान है जिसकी सहायता से प्रोटीन को इम्पोर्ट किया जाता है माइटोकांड्रिया के अंदर ड्यूरिंग प्रोटीन टारगेटिंग. तो टीम और टॉम क्या होता है दो ट्रांसलोकान है माइटोकांड्रिया में पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है एक्सएनए एक सिंथेटिक न्यूक्लिक एसिड है. एक्सएनए इज अ सिंथेटिक न्यूक्लिक एसिड विच कंटेन 4 कार्बन 3 कार्बन. अगर आप देखोगे 4 कार्बन 3 कार्बन आप बताएंगे 1 कार्बन और 5 कार्बन.
यह पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था और आपको पता होना चाहिए एक्स अनेक सिंथेटिक न्यूक्लिक एसिड है जो लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया है और यह कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। तो ये आपके क्वेश्चन भी आया हुआ आपके एग्जाम में है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन। अगर आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका इसका करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो देखेंगे आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको ध्यान देने की जरूरत है। हम देखेंगे यहां पे अगर मैं बात करूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जैसा कि आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन किसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एंजियोस्पर्म का होता है, जहां पे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आपको ये भी पता है कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो आपका इंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है और जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, हैप्लॉयड होता रहता है। तो आप देखोगे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन कॉन्सेप्ट कहां पे, एंजियोस्पर्म में पाया जाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जिम्नोस्पर्मिक लीफ कैरीज 16 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म। दिया क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन है 16, 24, 12, 8। आपको यहां पे देखना है इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के लिए, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 8 होगा। जैसा कि आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 होगा। और आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, 2n इक्वल टू लीफ कैसी है, आपको पता है लीफ कैसी होती है, 2n होती है, और 2n इक्वल टू 16 दिया है। और आपको यह भी पता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर इंडोस्पर्म जो होता है, इंडोस्पर्म जो होता है वह कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। ये बात आपको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म हैप्लॉयड होता है, एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉयड होता है। इसका मतलब कि हैप्लॉयड होता है, इसका मतलब 2n इक्वल टू 8 है, 16 है, तो n इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। तो आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, n होगा, क्योंकि हैप्लॉयड होता है इंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तो इसका मतलब 2n इक्वल टू 16 है, n इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन एक्सेप्शन टू द मेंडल लॉ, मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकेज, पेयरिटी ऑफ गैमेट और डोमिनेंसी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेंडल के एक्सेप्शन की मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, लिंकेज। लिंकेज जहां जिन जिन क्या होते हैं, लिंक हुए होते हैं, इसी वजह से क्या कहते हैं, एक्सेप्शन ऑफ द मेंडल्स लॉ। नेक्स्ट है, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट प्रोड्यूस टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट After selfing, this confirm Mendel's law of, पहला ऑप्शन है dominancy, segregation, incomplete dominancy, independent assortment। तो आपको पता है ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, तो मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आपका, आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि लिखा है कि tall plant, heterozygous, तो capital T, small t, cross करा दीजिए capital T, small t, तो आपको पता है चक्करबोर्ड आप बनाते हो तो आपको पता है कि इसमें क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप ऐसे बनाओगे, अगर आपको ऐसे बनाना हो तो आपको कैसे बनाना होता है, थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे कैपिटल टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, यहाँ पे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल टी भी आपको देखने को मिल रहा है, टॉल प्लांट भी दिख रहा है और डॉ प्लांट होता है। ये किसको शो करता है मेंडल्स के लॉ में, सेग्रीगेशन को शो करता है, सेग्रीगेशन ऑफ द प्लांट्स, टॉल प्लांट एंड डॉ प्लांट होता है। ये क्वेश्चन अभी पीवाईक्यू में आपके एग्जाम में आया हुआ था, द फिनोमेना इन विच एन एलील ऑफ वन जीन सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एन एलील ऑफ अनदर जीन इज नोन एज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में 40 नंबर पे, कि जब एक जीन दूसरे जीन को इफेक्ट को मॉस्क करता है तो उसे क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन देखिए, डोमिनेंसी है, इनएक्टिवेशन कहते हैं, इपिस्टेसिस कहते हैं, सप्रेशन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इपिस्टेसिस। जब एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को कम करता है तो उसे क्या बोलते हैं, इपिस्टेसिस फिनोमेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था,
If an angiospermic male plant is diploid, a female plant is a tetraploid, what will be the nature of its endosperm? Diploid, B option triploid, C option tetraploid, D option pentaploid. तो आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेंटाप्लाइड्स होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेंटाप्लाइड्स होगा, जो आपको जानने की जरूरत है। और कैसे ये होता है तो आप थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि एंजियोस्पर्मिक मेल जो होता है ये कैसा होता है, मेल प्लांट आपका है आपका 2N आपका है, और फीमेल प्लांट आपका है, जो फीमेल प्लांट है वो कैसा है, टेट्राप्लाइड, यानी 4N। तो मेल प्लांट से आपको N अगर आपको निकालना होगा, इस मेल गैमेट निकालना होगा, तो वो कैसा होगा, मेल गैमेट जो होगा वह कैसा होगा, हेप्लॉयड होगा, एन नंबर होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, मेल गैमेट। और इधर की तरफ अगर ये टेट्राप्लाइड है तो अगर इसका हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2N होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो क्या होता है, 2। अगर आप स्ट्रक्चर्स की बात करो तो यहां पे क्या होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई 2N, ये भी क्या होगा, 2N होगा, और इससे फ्यूज करने वाला जो आएगा, जो फ्यूजन रखेगा वह कितना रखेगा, ये रहेगा आपका N रहेगा, ये आपका मेल गैमिट है और ये क्या आपका है, पोलर न्यूक्लियाई, ये भी पोलर न्यूक्लियाई, तो आपका हो गया 2N प्लस 2N प्लस N इक्वल टू क्या हो गया, 5N। तो इसका आंसर क्या होगा, पेंटाप्लाइड होगा। याद रखिएगा एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट डिप्लॉयड है, फीमेल प्लांट टेट्राप्लॉयड है, तो नेचर ऑफ एंडोस्पर्म कैसा होगा, पेंटाप्लॉयड होगा, क्योंकि यहां पे दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2N 2N होगा, और जो मेल गैमेट होगा वो कैसा होगा, एन होगा। इसका आंसर क्या होगा, पेंटाप्लॉयड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हेप्लॉयड आर प्रेफर्ड ओवर द डिप्लॉयड्स फॉर द म्यूटेशन स्टडी बिकॉज, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला ऑप्शन क्या है, लार्जर पॉपुलेशन कैन बी स्टडीज, there is no selection against haploids, the recessive mutation will be expressed in the first generation, the recessive lethal do not express in the first। तो इसका अगर आप देखोगे, मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। haploid क्यों प्रिफर किया जाता है diploid के कंपेयर में म्यूटेशन की स्टडी का, कारण क्योंकि रिसेसिव म्यूटेशन जो होता है बहुत इजीली एक्सप्रेस कर जाते हैं फर्स्ट जनरेशन में haploid के अंदर, haploid वो प्रीफर किया जाता है क्योंकि वहां पे फर्स्ट जनरेशन में रिसेसिव म्यूटेशन बहुत इजीली क्या कर जाते हैं, एक्सप्रेस कर जाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो 2018 में आया हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर में, ए पॉलीप्लॉयडी विद जीनोम डेराइव्ड फ्रॉम द सेम ओरिजिनल स्पीसीज इज नोन एज, ऑटो पॉलीप्लॉयड्स, एलो पॉलीप्लॉयड्स, ऑटो एलो पॉलीप्लॉयड्स, एम्फी डिप्लॉयड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑटो पॉलीप्लॉयड्स। जब कहते हैं मल्टी प्लिकेशन ऑफ सेम जीनोम, जहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम जीनोम होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेम जीनोम होता है, वहां होता है ऑटो पॉलीप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, ऑटो पॉलीप्लॉयड, जैसे ए है इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये डिप्लॉयड था, ये क्या हो गया, टेट्रा, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सर होता है, ये क्या हो गया, फोर्थ, ये हो गया ऑटो टेट्राप्लॉयड। तो ऑटो टेट्राप्लॉयड का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम जीनोम, तो यहां पे आप देखोगे ऑटो पॉलीप्लॉयड ही है, ऑटो पॉलीप्लॉयड ही है, तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम जीनोम हो रहा है, इसे किसका एग्जांपल होगा, ऑटो पॉलीप्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, यूकैरियोटिक जीनोम्स डिफर फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज, आपको ऑप्शन बताना था इसमें, और ये क्वेश्चन आपके 2018 के असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। तो देखेंगे, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन द यूकेरियोट्स, जीन इन द फॉर्म, इन द फॉर्मर केसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ओपेरॉन्स, द डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद द हिस्टोन इन द प्रोकैरियोट्स, द डीएनए इज सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड इन द प्रोकैरियोट्स। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स, ये सबसे करैक्टरिस्टिक फीचर है जो यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स से डिफरेंशिएट करता है। आपको पता है कि जो 30% जीनोम होता है यूकैरियोट्स का, वह कंटेन रखता है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, ऐसे सीक्वेंसेस प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते रहते हैं, क्योंकि वो सिंपल
जीनोम होता है और यहाँ पे क्या होता है कॉम्प्लेक्स जीनोम पाया जाता है, और बाकी जो आपका स्टेटमेंट है वो डिफरेंस है, मोस्ट डिफरेंशिएटेड आंसर की मैं बात करूं तो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो सी डीएनए होता है उसके फॉर्मेशन में किसका यूज होता रहता है, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंडोन्यूक्लियस लाइगेजेस। तो आपको सबको पता है कि यहाँ पे किसका यूज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जहां पे मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाया जाता है, डीएनए का क्या बनाया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जाता रहता है। तो सी डीएनए के प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जहां मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाया जाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया था, ए डिस्प्यूट अबाउट द पेरेंटेज ऑफ ए चाइल्ड इज बीइंग सेटल्ड बाय द बाय ए मदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द डिसाइडिंग द पेरेंटेज। कहते हैं कि एक चाइल्ड की पेरेंट की स्टडी करना हो कि ये मदर से ये किसका पुत्र है, तो मदर उसमें हेल्प करता रहता है, तो कौन सा सीक्वेंस वहां यूज होता रहता है या कौन सा स्टेटमेंट सही होता है। तो पहला, सिमिलर कैरियोटाइप शुड बी प्रेजेंट इन द मदर एंड द चाइल्ड। दूसरा है, द क्रोमोसोम नंबर इन बोथ शुड बी द सेम। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं तो क्या दिया हुआ है आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे ए चाइल्ड वुड इनहेरिट वन मिनी सेटेलाइट फ्रॉम द मदर, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग सो द सेम डीएनए सीक्वेंसेस। तो बेस्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ए चाइल्ड वुड इनहेरिट वन मिनी सेटेलाइट, एक मिनी सेटेलाइट जो होता है वह कहां से इनहेरिट करता है, मदर से, जो एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे पैरेंटल केसेस को स्टडी किया जाता है और उसमें डिसीजन लिया जाता है। तो आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया था, द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर्ड द यूज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, सेल सस्पेंशन, मेरिस्टेम और ग्लियल बेड। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेल सस्पेंशन होता है, सेल सस्पेंशन होता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है आपको। अगला, द मोस्ट वाइडली यूज्ड केमिकल फॉर द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एज फ्यूसोजेन इज मैनिटॉल, सार्बिटॉल, मैनोल, पॉलीएथिल ग्लाइकॉल। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, पॉलीएथिल ग्लाइकॉल जो होता है फ्यूसोजेन के रूप में यूज होता है जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किया जाता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल विल शो टोटिपोटेंसी, तो टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रॉम ए सिंगल सेल फॉर्मेशन ऑफ इंटायर बॉडी, उसे कहते हैं टोटिपोटेंसी फिनोमेना। तो जाइलम में सेल, सीओट्यूब, मेरिस्टेम और कॉक सेल। तो सबसे ज्यादा डिवाइडिंग सेल जो होती है मेरिस्टेम होती है, इसलिए टोटिपोटेंसी में जो सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है वह सेल कौन होती है, मेरिस्टेम। क्या होता है, जो क्या होता है, जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती रहती है। द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ बीटी कॉटन इज दैट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था 2018 में। पहला ऑप्शन है, इज पोटेंशियली हार्मफुल टू द मोनार्च बटरफ्लाई, ये ऑप्शन था। इज ए पोटेंशियल एलर्जन टू द ह्यूमंस, ये ऑप्शन था, बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन था, कैन कंटामिनेट ग्राउंड वाटर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ए और बी, जहां पे ये पोटेंशियल हार्मफुल होता है बटरफ्लाई को भी होता है और एलर्जेंस के रूप में ह्यूमन को भी इफेक्ट करता रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था 2018 में, स्टार्च कंटेंट ऑफ द पोटैटोस कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग बैक्टीरियल जीन नोन एज, स्टार्च कंटेंट बढ़ाने के लिए पोटैटो का बैक्टीरिया के कौन से जीन का यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन था, सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेस जीन। दूसरा ऑप्शन था, एडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज जीन। सी ऑप्शन था, पॉलीगैलेक्टोन्यूरॉन्स जीन्स। डी ऑप्शन था, नन ऑफ द एबव। तो आपको बताना था कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, एडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज जीन। यह बैक्टीरिया का जीन यूज किया था, एडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोराइलेज जीन, जो पोटैटो के अंदर स्टार्च कंटेंट को बढ़ाने के। क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑफ द बेसल एंजियोस्पर्म, कौन सा ग्रुप जो है बेसल एंजियोस्पर्म के रूप में जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एम्बुरेला, निम्फिया, एलिसियम, ट्राइमेनिया, ऑस्ट्रोबेलिया, और ऐसे दिया तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए होगा।
बाकी सारी ये जितने भी प्लांट्स आपके रिपोर्ट किए गए हैं ये क्या है, इनको बेसल एंजियोस्पर्म कहा जाता है, जो बहुत बेसिक प्रिमिटिव करेक्टर को रखते रहते हैं, इन फैमिली के मेंबर्स हैं। इस पुरोजीनस टिश्यू ऑफ द एम्पिथीसियल ओरिजिन नोन एज, इस पुरोजीनस टिश्यू ऑफ एम्पिथीसियल ओरिजिन इन, पहला ऑप्शन है रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, फ्यूनेरिया। तो आपको पता है कि एंथोसिरास के अंदर क्या होता है, एम्पिथीसियल ओरिजिन होता है, रिक्सिया मार्केंसिया के अंदर क्या होता है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो कौन होता है, आर्ची स्पोरियम होता है, और जो इसका होता है इसको आपको पता होना चाहिए ये कौन होता है, इसको बोलते हैं एम्पिथीसियम। एम्पिथीसियम से जो होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, जहां एम्पिथीसियम से ओरिजिन होता है वह कहलाता है एंथोसिरास का एग्जांपल होता है, रिक्सिया मार्केंसियम क्या होता है, आर्ची स्पोरियम से स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता रहता है। मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी अकर ड्यूरिंग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कहां पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है, प्री कैम्बियन पीरियड, कैम्बियन पीरियड, सिल्यूरियन और डिवोनियन। डिवोनियन में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एस्टिमेट ऑफ द ग्रॉसेस आर, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, एस्टिमेट ऑफ द ग्रॉसेस एनमोसाइटिक, एनाइसोसाइटिक, गैसाइटिक और पैरासाइटिक, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, पैरासाइटिक इसका आंसर होगा। एंटी मलेरियल ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम, इफेड्रा फोलिएटा, टेक्सस बकाटा, आर्टिमिसिया एनुआ, बर्लेरिया क्रिस्टेटा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिमिसिया सिन्हा जो होता है या आर्टिमिसिया एनुआ जो स्पीसीज होती है, इससे एंटी मलेरिया का ड्रग्स प्राप्त किया जाता है, एंटी मलेरियल ड्रग्स प्रोड्यूस किया जाता रहता है। क्वेश्चन आया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोटिपिक जीनस, मोनोटिपिक जीनस कौन होता है, जेमिया, माइक्रोसाइकस, इफेड्रा और नीटम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और आया भी था। तो माइक्रोसाइकस जो होता है मोनोटिपिक स्पीसीज होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, विलियमसोनिया, ग्लासप्टेरिस, आर्कियोप्टेरिस और जेमाइट्स, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ आपके एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में फिर से आ सकता है। आर्कियोप्टेरिस जो होता है कनेक्टिव लिंक होता है टेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में। कल्चर स्टार्टेड फ्रॉम पोलन आर कॉल्ड, जो कल्चर पोलन से स्टार्च होता है उसे क्या कहते हैं, सिंगल सेल कल्चर, नॉन वायबल कल्चर, एंथर कल्चर, सिंगल सेल सस्पेंशन कल्चर, तो आपको याद होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका एंथर कल्चर, एंथर कल्चर होगा, क्योंकि जो कल्चर पोलन ग्रेन से किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एंथर कल्चर। ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ था, द फाइटोहार्मोन्स इज आर ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस, ग्रोथ फैक्टर, ऑल ऑफ द अबव, तो क्या पता आपको होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फाइटोहार्मोन्स को ग्रोथ हार्मोन्स भी कहा जाता है, ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है, ग्रोथ फैक्टर भी कहा जाता है, इन सभी नामों से फाइटोहार्मोन्स जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम 2018 सेशन प्रोफेशन में आया था, चीफ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द ग्रीन प्लांट आर द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स, अमोनिया सॉल्ट, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, तो क्या होता है, नाइट्रेट्स। तो प्लांट्स नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम के लिए हो सकता है। ए प्रोफेज इज, प्रोफेज क्या है, एन ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट, ए जीन, ए फेज डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इन द होस्ट डीएनए। आपको याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए, कि जब कभी प्रोफेज कहते हैं वायरस इंटीग्रेट कर जाता है बैक्टीरिया के डीएनए में, उस कंडीशन को कहा जाता है, यानी ए फेज डीएनए जब इनकॉर्पोरेट कर जाता है होस्ट डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में, इस स्टेज को कहते हैं प्रोफेज कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, जो 2018 में भी आया है, आने वाले एग्जाम में फिर आ सकता है। द एनर्जी फॉर इंजेक्टिंग वायरल डीएनए इनटू होस्ट सेल कम फ्रॉम द एटीपी, वेयर डू दीज एटीपी मॉलिक्यूल कम फ्रॉम, जो कहते हैं कि वायरल डीएनए के होस्ट डीएनए में इंजेक्ट करने के लिए जो एटीपी चाहिए वो कहां से प्राप्त होती है, प्रोड्यूस बाय वायरस देमसेल्फ, डी ऑप्शन टेक्स फ्रॉम द होस्ट एट द टाइम ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ डीएनए, सी ऑप्शन हेड ऑफ द वायरस, डी ऑप्शन फ्रॉम द टेल पीस ऑफ द वायरस, तो कहां से प्राप्त होता है, टेल पीस ऑफ द वायरस से प्राप्त होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था,
इन रिसेंट ईयर आपको ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आया था आपके सामने कि ये क्वेश्चन आया हुआ था इन रिसेंट ईयर डीएनए सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स रिकरेंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड वाई क्रोमोसोम्स वेयर कंसीडर फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन बिकॉज दे आर स्मॉल देयर बाय इजी टू स्टडी दे आर यूनिपैरेंटल इन ओरिजिन एंड डू नॉट टेक पार्ट इन द रिकॉम्बिनेशन The structure is known in greater details. They can be studied from the sample of the fossil remains. कहते हैं कि जो recent year में DNA sequences use हो रहा है for the study of human evolution, उनमें कौन सा DNA use किया जाता है? जिसे कहते हैं empty DNA and Y chromosome. क्योंकि ये uniparental in origin होते हैं, साथ साथ do not take part in the recombination और conserved DNA होते हैं. इसलिए क्या होता है? B option is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द लार्जेस्ट प्लांट सेल पहला ऑप्शन है रिप्लेसिया दूसरा ऑप्शन आपके सामने था एस्ट्रोबुलेरिया एगेरिका साइक्रोमाइसिस तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा एस्ट्रोबुलेरिया जो होती है लार्जेस्ट प्लांट सेल के रूप में जानी जाता है रिप्लेसिया क्या है लार्जेस्ट फ्लावर होता है इसका एगेरिकस क्या है एक मशरूम है साइक्रोमाइसिस क्या है एक यूनिसेलर क्या होता है यूनिसेलर यूकैरियोटिक सेल है और जो कि एक फंगस है नेक्स्ट क्वेश्चन द जीनोम रिफर टू द जीनोम किससे कहा जाता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्रिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ए सेल तो जीनोम को रिफर करते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं जीनोम ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है जो फिर से रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज तो आपको बताना है विल्ट ऑफ अरहर सॉफ्ट रॉट ऑफ मैंगो वर्ट ऑफ द पोटैटो अर्ली ब्लाइट ऑफ ग्राउंडनट तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बैक्टीरियल डिजीज कौन होती है सॉफ्ट रॉट ऑफ द मैंगो विल्ट ऑफ अरहर आपको पता है फंगल डिजीज है वर्ट ऑफ द पोटैटो जिसे कहते हैं सिनकाइट्रियल इंट्रोबायोटिकम एक फंगल डिजीज है अर्ली ब्लाइट ऑफ ग्राउंडनट ये भी क्या होता है एक फंगल डिजीज है Which of the following microscope has the highest magnification power? तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक से पूछा हुआ है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंटरफेरेंस तो हाइएस्ट जो मैग्निफिसेंट पावर होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है जो आपको रिमेंबर करने की जरूरत थी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन अगला है जो आपके एग्जाम में आया हुआ था 2018 असिस्टेंट प्रोफेसर में मोस्ट वेरिएबल स्टेज ऑफ द सेल साइकिल G1 G2 G0 और S तो सबसे ज्यादा वेरिएबल स्टेज कौन होती है G1 स्टेज होती है जो कहते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है G1 स्टेज क्या होती है एक तरह से कह सकते हो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल होता है आपको पता है सबसे ज्यादा समय कहां लगता है G1 फेज में लगता है इट्स वायरस है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड ट्रांसफर आरएनए आप देखोगे अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या होगा आंसर आपको बताना है एड्स वायरस क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है द टर्म हॉर्नवर्ट इज एसोसिएटेड विद हॉर्नवर्ट किसे कहा जाता है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और ट्रैकोफाइट्स तो आपको पता है हॉर्नवर्ट किसे कहा जाता है ब्रायोफाइट्स जिसमें कौन होता है एंथोसिरास क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था हॉर्नवर्ट्स सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन द मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स बट इट अकर इन तारा सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है एब्सेंट होती है मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स बट प्रेजेंट कहां होती है साइलोटम लाइकोपोडियम आइसोटीस सिलेजनेला तो आइसोटीस के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ को ऑब्जर्व किया गया है आइसोटीस के अंदर जो एक लाइकोपोडियोसिडा का मेंबर है During unfavorable condition, many fungi form hard resting body is called Cleistothecia, Perithecia, Sclerosia, Sporangia. तो कभी कभी unfavorable condition में fungi क्या करता है resting body develop करता है जिसको हम बोलते हैं Sclerosia बोलते रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं Sclerosia बोलते रहते हैं ठीक है तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द प्रेजेंस ऑफ मेनी एम्ब्रियो इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैंगो बनाना एप्पल और ऑरेंज
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। जब एक से अधिक इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं पॉली इम्ब्रियो, इसे क्या बोलते हैं पॉली इम्ब्रियोनिक फिनोमेना होता है। और ये हमें कहां मिला, ऑब्जर्व किया है ऑरेंज के अंदर हमको देखने को मिलता रहता है। क्वेश्चन आया द कंडीशन इन विच एंथर आर फ्यूज्ड बट फिलामेंट आर फ्री फाउंड इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगर आप देखोगे कि मॉलवेसी, कुकरबिटेसी, कंपोस्टी एंड पोएसी, तो जहां पे कहा गया एंथर फ्यूज होता है और फिलामेंट्स आर द फ्री, इसे हम बोलते हैं आपको पता है सिंजेंसियस कंडीशन। सिंजेंसियस कंडीशन होता है, सिनेंडस कंडीशन होता है, एंथर फ्री होते हैं, तो अलग अलग केस होता है। यहां पे सिंजेंसियस कंडीशन पाई जाती है जो कहां पाई जाती है कंपोस्टी फैमिली के अंदर, जहां पे एंथर तो फ्यूज होता है, फिलामेंट क्या होते हैं फ्री होते रहते हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये क्या होता है फिलामेंट क्या होते हैं फ्री होते हैं, और एंथर क्या होता है फ्यूज्ड होता है। इस कंडीशन को कहते हैं सिंजेंसियस कंडीशन, और ये कंपोस्टी हमको देखने को मिलता है। कमर्शियल क्वार इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कोकोनट, ये भी क्वेश्चन आपके सामने आया था। कमर्शियल क्वार कहां से प्राप्त किया जाता है, इपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, और तो आपको करेक्ट आंसर क्या होगा मीजोकार्प से प्राप्त किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। द बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया, बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। गार्डन इन इंडिया इज लोकेटेड इन, तो आपको करेक्ट आंसर क्या होगा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। तो हमारे देश में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहां पाया जाता है कोलकाता के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज ए रिच सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड, बताएंगे आप इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था और इंपॉर्टेंट भी है। कोकोनट, फ्लैक्स, सोयाबीन, ओरिएंडर, आपको पता है कि ओमेगा फैटी एसिड का जो रिच सोर्स होता है उसे बोलते हैं फ्लैक्स, लिनियम यूटेरिस्मम, फ्लैक्स जिसे कहते हैं, जिससे क्या होता है ओमेगा फैटी एसिड प्राप्त होता रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल एस्पेक्ट से होता रहता है, जो हमारे बॉडी के अंदर बीपी को कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं उनको डिजॉल्व करने में हेल्प करता रहता है ओमेगा फैटी एसिड्स। Which of the following is the non-conventional energy source? Wood, CNG, LPG, windmill. तो आपको पता है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, विंडमिल जो होता है non-conventional energy source था। दूसरे पूछा था who among the following is known as father of Indian ethnobotany? उसमें आपको बीरबल साहनी, एस के जैन, एम एस स्वामीनाथन, लालजी सिंह, तो आपको पता है एस के जैन जो होते हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन एथनो बॉटनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। बीरबल साहनी पहली बॉटनी के फादर कहलाते हैं, एम एस स्वामीनाथन आपको पता ही है ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े थे, लालजी सिंह कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जाने जाते रहते हैं। तो एस के जैन इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एथनो बॉटनी। क्वेश्चन आया था ए लिविंग सेल हैड द प्रोटोप्लाज्म विच इज वाटर बेस्ड एंड डिमार्केटेड बाई ए लिपिड लेयर मेम्ब्रेन, इफ ए सेल इज pH of 1/5 of its diameter with a very sharp needle, after taking the needle out, no effect will be observed. Protoplasm will leak out from the hole made by the needle for a few minutes until the cell heals the wounds. The protoplasm will keep on the leaking out till the cell is dead. The cell will burst like a balloon. तो आपको याद होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोटोप्लाज्म के अंदर, आप पील कर क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद इसमें एक छिद्र कर देते हैं नीडल के द्वारा, उसके बाद भी देखेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए फिल्म प्रोजेक्टर एंड माइक्रोस्कोप गिव द इक्वल मैग्निफिकेशन बट ए फिल्म प्रोजेक्टर इज नॉट यूज टू सी द लिविंग सेल बिकॉज, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फिल्म प्रोजेक्टर माइक्रोस्कोप इक्वल मैग्निफिकेशन होता है, फिर भी हम प्रोजेक्टर को ना यूज, बट ए फिल्म प्रोजेक्टर इज नॉट यूज्ड लिविंग सेल के लिए, हम फिल्म प्रोजेक्टर का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ए ग्रेटर माइक्रोस्कोप है रिजॉल्विंग पावर जो होती है माइक्रोस्कोप की ज्यादा होती है प्रोजेक्टर से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जीनोम ऑफ ए बैक्टीरियम
is composed of a single DNA which is 10^9 base pair long. How many moles of the genetic DNA are present in the bacterium? So, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था और ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पूरा डेटा नहीं दिया था, इसे निकालने में इसको प्रॉब्लम होगी। ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट था, 2018 में आया हुआ था, लेकिन इसका और इसमें डेटा की रिक्वायरमेंट है और ये उसका करेक्ट आंसर तो होगा 1/6 × 10^-13, लेकिन ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो सॉल्व करने में, चूंकि उस समय आयोग ने इस क्वेश्चन को दिया था लेकिन ये चूंकि डेटा इनकम्प्लीट था इसका आंसर निकालना कठिन था। द म्यूटेशन इन एन ऑन्कोजीन फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस? लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन, फ्रेंडशिप म्यूटेशन, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन। तो आपको पता है ऑन्कोजीन जो होता है, ऑन्कोजीन क्या होता है? कैंसर कॉजिंग जीन होता है, कैंसर कॉजिंग जीन होता है। प्रोटो ऑन्कोजीन जो होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन जो होता है यही क्या करता है, म्यूटेशन कर लेता है। म्यूटेशन करने के बाद क्या करता है, करने के बाद ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे जो होता है फंक्शन उसे कहते हैं गेन ऑफ फंक्शन, क्योंकि जो प्रोटो ऑन्कोजीन है हमारे बॉडी की वह सेल होती है जो ससेप्टेबल होती है म्यूटेशन का। अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो ये कैंसरस जीन बन जाते हैं और ये कैंसर के जीन की भूमिका निभाते हैं और सेल के अंदर कैंसर कॉज करते रहते हैं। तो जो प्रोटो ऑन्कोजीन है जब उसमें म्यूटेशन होता है तो वह अपना रूप बदल के कैंसर का रूप ले लेता है। इसे कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन के अंदर गेन ऑफ फंक्शन होता है। म्यूटेशन का एक रूप होता है लॉस ऑफ फंक्शन और गेन ऑफ फंक्शन। तो जो प्रोटो ऑन्कोजीन है जब वो ऑन्कोजीन में कैंसर कॉजिंग जीन में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं गेन ऑफ फंक्शन। वहीं पे जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं, जो कैंसर के रोकने वाले जीन होते हैं, उनके अंदर जो म्यूटेशन होता है जब कैंसर सेल बनती है तो यहां होता है लॉस ऑफ फंक्शन। तो याद रखिएगा दो स्टेटमेंट, गेन ऑफ फंक्शन कहां होता है, ये प्रोटो ऑन्कोजीन में होता है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है वहां पे जब कैंसर होता है तो वहां पे क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है। तो ये दो चीजें आपको रिमेंबर रखने की होती है फ्यूचर में कि गेन ऑफ फंक्शन कहां होता है और लॉस ऑफ फंक्शन कहां होता है। क्वेश्चन आया हुआ है जिब्रेलिक एसिड कंट्रोल द सीड जर्मिनेशन बाय डायरेक्टिंग द ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर स्टार्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू of the barley seed alpha amylase gene is induced in response to the gibberellic acid। ये question बहुत important था, अगर आप देखेंगे पूछा हुआ है कि gibberellic acid क्या करता है, seed germination को promote करता है और starch को convert करता है soluble sugar में, और वहां जो enzyme होता है उसे कहते हैं alpha amylase, और वह alpha amylase किससे secrete होता है, endosperm polyptyle aleurone layer endo। तो correct answer इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, एल्यूरॉन लेयर से अल्फा एमाइलेज सीक्रेट होता है और ये क्या करता है, जो स्टोर स्टार्च होता है उसको सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है और वह सॉल्युबल शुगर क्या करता है, ग्रोइंग रीजन पे जाता है और सीड का जर्मिनेशन कराता है। ये चीज आपको ध्यान रखने की होता है एल्यूरॉन लेयर। कई बार सीएसआईआर में पूछा क्वेश्चन है, प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है हार्मोन से जिब्रेलिन के एजेंसी। तो याद रखिएगा अल्फा एमाइलेज होता है, अगर आप देखोगे ये ग्रोइंग रीजन होता है, अगर ये सीड रहता है तो ये ग्रोइंग रीजन है, तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है और ये रीजन होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। यहां पे जो लेयर सीड के अंदर पाई जाती है सबसे इनर लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर, और इसी लेयर से क्या सीक्रेट होता है, अल्फा एमाइलेज। यह अल्फा एमाइलेज क्या करता है कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल शुगर में। तो ये जो अल्फा एमाइलेज का सीक्रेशन होता है ये कहां से होता है, एल्यूरॉन लेयर से, और किसके रिस्पांस में होता है, जिब्रेलिक एसिड के। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन हेटरोजाइगस इंडिविजुअल फॉर अ गिवन जीन इफ ए क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड बिटवीन द जीन लोकस एंड द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम द रिक्विसिशन ऑफ द टू एलील ऑफ द गिवन जीन विल अकर ड्यूरिंग द मियोसिस। पहला ऑप्शन आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनऑफ्यूस सेकेंड वाली। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म फाइला प्रोड्यूस मोटाइल स्पर्म बियर ओविलेट एंड माइक्रोस्पोरिनेट
cones and the separate plant has the fleshy coat cereal coniferous psychodophyta gingophyta and nitophyta. चूंकि जो करेक्टर बता रहा है मोटाइल स्पर्म ओव्यूलेट माइक्रोस्पोरेंजिएट और सेपरेट प्लांट पे कोन्स बनते हैं और फ्लेसी कोटेड सीड है, ये दोनों करेक्टर क्या होता है आपके साइकेडोफाइटा और जिंगोफाइटा दोनों के करेक्टर आते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में दिया हुआ था। यहाँ आंसर की मैं बात करूं तो साइकेडोफाइटा भी है और जिंगोफाइटा भी है। तो जो अगर मैं बात करूं यह क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, जो क्वेश्चन जो आपके सामने अभी था प्रीवियस ईयर का, ये कंफ्यूजिंग आयोग ने दिया था, साइकेडोफाइटा और जिंगोफाइटा दोनों करेक्टर में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए था जहां मैं बात करूं तो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म दैट प्रोड्यूस मोटाइल स्पर्म बियर ओव्यूल्स माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन्स डिफरेंट प्लांट पे होते हैं फाउल स्पेलिंग फ्लैसी सीड। देखो फाउल स्पेलिंग अगर फ्लैसी सीड अगर यहां पे देता तो इसका आंसर क्या हो जाता आपका, जिंगो हो जाता है, क्योंकि फाउल स्पेसिंग फ्लैसी सीड कहां पर आता है, जिंगो में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो यहां पे थोड़ी सी ध्यान रखने की बात होती है कि यहां पे वहां पे फाउल स्पेलिंग फ्लैसी सीड नहीं दिया था, अगर ये देता तो जिम्नोस्पर्म होता, अगर इसको हटा देता तो ये साइकस और जिंगो दोनों से होता है क्योंकि दोनों ही प्रिमिटिव है, क्वेश्चन का नेचर ये होना चाहिए, लेकिन आयोग ने कंफ्यूजन क्रिएट किया था। तो ध्यान रखिएगा फाउल स्मेलिंग फ्लैसी सीड्स जो होता है जिंगो के पास होता है, बाकी कॉमन क्या होता है, साइकस और जिंगो के कॉमन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक विल यू यूज टू आइडेंटिफाई मोर देन 1000 डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन इन ए नॉर्मल एंड ट्यूमर टिश्यू इन वन सिंगल एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कब ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, देखो आरएपीडी जीनोम सीक्वेंसी चिप ऐसे ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस कह रहा है कि किस टेक्निक का आप यूज करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए मोर देन 1000 डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन को नॉर्मल और ट्यूमर टिश्यू में। तो आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस जब आप पढ़ते हो प्रोटीनोमिक्स, आपको पहले पता है कि हम पहले डीएनए की स्टडी करते थे, रिसेंट टाइम में जो एडवांस ब्रांच है प्रोटीन की स्टडी करके हम ये जानते हैं क्या जीन पे प्रभाव है। तो जो प्रोटीनोमिक्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसक्रिप्टोम्स, और ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोटीन्स बनती हैं उन्हें ट्रांसक्रिप्टोम्स जो होते हैं उनमें उनकी स्टडी करके हम क्या करते हैं इस एनालिसिस को पूरा कर सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्टोम जो होता है जीनोम ट्रांसक्रिप्टोम और प्रोटीनोमिक्स ये क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स वह टूल्स है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं डीएनए नॉर्मल सेल और ट्यूमर सेल में एक्सपेरिमेंट के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस की जाती है जिसके द्वारा हम नॉर्मल और ट्यूमर टिश्यू को एक्सपेरिमेंट में चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 प्रोटीन्स मूविंग टूगेदर इन ए सिंगल बैंड अपॉन लोडिंग इन द सिंगल लेन ऑफ एसडीएस पेज जेल द बेस्ट मेथड क्या होगा। कह रहा है कि प्रोटीन को जो होता है 3 प्रोटीन मूविंग टूगेदर सिंगल लेन ऑफ द एसडीएस पेज पे उसका सेपरेट करने का बेस्ट मेथड क्या होगा, वन स्टेप वेस्टर्न ब्लॉट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वेस्टर्न ब्लॉट फॉलोड बाय स्ट्रिपिंग एंड प्रोबिंग ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये टेक्निक से क्वेश्चन आया हुआ था इसका करेक्ट आंसर था वेस्टर्न ब्लॉट फॉलोड बाय स्ट्रिपिंग एंड बायोप्सी। नियोमाइसिन ट्रांसफरेज जीन फ्रीक्वेंटली यूज एज अ सेलेक्शन मार्कर ड्यूरिंग द प्लांट टर्मिनेशन इन एक्टिवेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था 2018 में आता, हाइग्रोमाइसिन एम्पीसाइलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन कैनामाइसिन। नियोमाइसिन फास्फेट ट्रांसफरेज जीन फ्रीक्वेंटली यूज टू सेलेक्शन मार्कर किसके यूज किया जाता है, कैनामाइसिन एंटीबायोटिक्स को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, Which of the following technique would be the most suitable for the identification of genome rearrangement including translocation, deletion, duplication, etc. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आया था, RAPD, माइक्रो एरे मल्टीकलर फिश फ्लोसाइटोमेट्री, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मल्टीकलर फिश जो क्या होता है यूज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनोम रीअरेंजमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसलोकेशन डिलीशन और डुप्लीकेशन। Which one of the following statement about the leafy LFY
ए रेगुलेटरी जीन इन द एराबिडोप्सिस थैलियाना इज करेक्ट। लीफी जीन जो एराबिडोप्सिस थैलियाना के में पाया जाता है जो कि उसके फ्लावर डेवलपमेंट में मदद करता रहता है, उसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? लीफी इज इन्वॉल्व इन द फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स, लीफी इन्वॉल्व इन द लीफ एक्सपेंशन, लीफी इन्वॉल्व इन द रूट मेरिस्टेम आइडेंटिटी, लीफी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फार रेड लाइट मेडिएटेड सीडलिंग ग्रोथ। याद रखिएगा लीफी जो जीन होता है वह फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन होता है जो फ्लावर फॉर्मेशन में हेल्प करता रहता है। आपको पता फ्लावर में कौन होता है? सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल। ये जो फ्लावर के पार्ट होते हैं सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल, उनको बनाने के लिए जो सबसे पहले फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन को एक्टिवेट किया जाता है, उन जीनों को एक्टिवेट करने वाले जीन को कहते हैं लीफी जीन। द क्वांटम यील्ड ऑफ द ऑक्सीजन एवोल्यूशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्रास्टिकली ड्रॉप इन द फार रेड रीजन, दिस इफेक्ट इज नोन एज। आपको पता पड़ा होगा फार रेड ड्रॉप, ब्लू ड्रॉप, विजुअल स्पेक्ट्रम ड्रॉप। जब क्वांटम इल को मेजर किया जाता था तो देखा गया कि जब लाइट देते हैं तो क्वांटम इल जो फार रेड लाइट में जाती है बहुत ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है, उस इफेक्ट को कहते हैं रेड ड्रॉप कहते हैं। आपने इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप पढ़ा हो प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो वहीं से आंसर था इसका क्या होगा, रेड ड्रॉप था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डार्क ग्रोइंग सीडलिंग डिस्प्ले द ट्रिपल रिस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू द एथिलीन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द, देखिए यहाँ पे पकड़ना था कि ट्रिपल रिस्पांस जो होता है उसका करैक्टर नहीं है। आपको पहले ध्यान रखना है कि ट्रिपल रिस्पांस कौन सा हार्मोन शो करता है, एथाइलिन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट करैक्टर्स क्या होता है, डिक्रीज इन द इपिकोटाइल इलोंगेशन, रैपिड अनफोल्डिंग एक्सपेंशन ऑफ द लीव्स, थिकनिंग ऑफ द सूट, हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ द इपिकोटाइल। तो जो आप देखोगे अगर इसकी मैं बात करूं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था कि जो ट्रिपल रिस्पांस होता है, ट्रिपल रिस्पांस में मतलब कि तीन करेक्टर्स वो कौन सा शो करता रहता है, वह करेक्टर ट्रिपल रिस्पांस जो एथिलीन के रिस्पांस में होता रहता है वह कौन कौन से होते हैं, डिक्रीज इन इपिकोटाइल के इलांगेशन डिक्रीज कर जाती है, प्लांट ड्वार्फ हो जाता है, और जो थिकनिंग ऑफ सूट होती है वह बढ़ जाती है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ इपिकोटाइल होता है, और यहाँ पे अनफोल्डिंग और एक्सपेंशन ऑफ लीफ कभी नहीं होता है। ये आंसर क्या होता है, यही आंसर क्या होता है, कहा नॉट करेक्ट है, तो नहीं करेक्ट क्या नहीं है, यही नहीं है, बाकी सब क्या है करेक्ट है। इपिकोटाइल की इलांगेशन डिक्रीज कर जाती है, थिकनिंग ऑफ सूट बढ़ जाती है, और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ इपिकोटाइल होता रहता है। क्या नहीं होता है तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये घटना अनफोल्डिंग और एक्सपेंशन ऑफ लीफ नहीं होती रहती है ट्रिपल रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इन यूकैरियोटिक रिप्लिकेशन हेलिकेज लोडिंग अकर एट ऑल रेप्लिकेटर ड्यूरिंग, ये क्वेश्चन सीएसआईआर में पूछा हुआ था, यही क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा था, हेलिकेज की लोडिंग जो होती है कहां होती है, G1 phase, G0 phase, G1 S phase, G2 phase। जल्दी हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हेलिकेज क्या होता है, एक डीएनए को ओपन करने में हेल्प करता रहता है। हेलिकेज क्या करता है, डीएनए ओपनिंग करता रहता है, वहां के बीच का हाइड्रोजन बांड को ब्रेक करता रहता है। तो जल्दी आंसर हम दे देते हैं कि रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, तो हेलिकेज भी शायद अपलोडिंग क्या होती है, एस फेज में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिएगा जीवन फेज इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या करेक्ट आंसर होगा, जीवन फेज, क्योंकि आपको अगर आपने रेप्लिकेशन पढ़ा हो तो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो बनता है वह किस फेज में बनता है, जीवन फेज में होता है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो बनता है वह एस फेज में होता है, रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में होता है। तो एस फेज में रेप्लिकेशन होता है, लेकिन हेलिकेज का लोडिंग कहाँ होती है, जीवन फेज में ही हो जाती है, जहां पे वो क्या करता है, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता रहता है। ये क्वेश्चन सीएसआईआर में भी आया था और यहां भी पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इन साल्ट टॉलरेंट प्लांट द एक्सेस साल्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू द वैक्यूल बाई सोडियम हाइड्रोजन पंप, सोडियम कैल्शियम पंप, सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर, सोडियम क्लोराइड सिंपोर्टर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर, जो कि स्ट्रेस फिजियोलॉजी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सेल डिवीजन प्रोसेस इज वेरी स्लो इन स्टेम अपेक्स, क्वेश्चन सेंटर ऑफ द रूट, फ्लावर बर्ड
और लीव्स। तो आपको पता है क्वेश्चन सेंटर में क्या होता है, सेल डिवीजन प्रोसेस वेरी स्लो होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएटेड इन द बैक्टीरिया इन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैविंग इन फोल्डिंग। जो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, वह कहां होता है, इन फोल्डिंग में होता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते रहते हैं, मीजोसोम्स बोलते रहते हैं। एमवाईसी जीन, एमवाईसी जीन जो होता है इज ए ऑन्कोजीन, एसेंशियल जीन, ऑर्फन जीन, निफ जीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। एमवाईसी जीन जो होता है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता रहता है, और आपको पता है एमवाईसी जीन जो जीन होता है, एमवाईसी जीन होता है, जिसे जीन जो होता है यह ऑन्कोजीन है। ऑन्कोजीन का मतलब क्या, कैंसर कॉजिंग जीन होता है, और यह किसको प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को। और आपको पता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्या कहलाता है, कैंसर होता है। जो कैंसर बनता है तो इसको क्या करता है, कॉन्टिन्यूस इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता रहता है, जो बनते रहते हैं और सेल डिवीजन को लगातार करते रहते हैं, और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। तो एमवाईसी जीन क्या है, एक ऑन्कोजीन है जो कैंसर कॉजिंग जीन के रूप में जाना जाता है। और निक ट्रांसलेशन इज डन बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, निक ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया जाता है, काइनेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो निक ट्रांसलेशन किसके जाता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा किया जाता रहता है। और जो गैप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता रहता है, जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो वहां निक ट्रांसलेशन क्या होता है, जो गैप क्रिएट होता है उसको फिल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। यह कुछ 100 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये हमने आज के इस पीवाईक्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का बॉटनी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूं और आंसर भी आपको बताया हूं। यह आपकी प्रिपरेशन करने में मदद करेगा, क्विक रिवीजन में मदद करेगा। होपफुली आपको यह मेरे लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।